जम्मू कश्मीर यातायात पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी कि राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन के साथ ही पता गिरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। मैं बरेली यूपी से आया हूं और यहां हम न्यू ईयर एंजॉय करने आए थे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और यहां स्नो फॉलिंग देखकर तो हमें इतना अच्छा लग रहा है कि जैसा ऐसा लग रहा है कि हम लोग जन्नत में आए हुए हैं। अभी हम गुलमर्ग भी गए थे, वहां पर भी हमने स्नोफॉल का एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे यहां पर लाइव स्नोफॉल हो रहा है, बहुत अच्छे से स्नोफॉल का एंजॉय ले रहे हैं। और हमें अब यहाँ 4-5 दिन हो गया यहाँ एंजॉय करते हुए और ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पर रुक जाओ। और यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे मिजाज से सब लोग बात कर रहे हैं। और बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको यही हो गया है कि यहाँ अभी आगे जाके टनल में लैंडस्लाइड या टनल टूट गई है, जिसकी वजह से हम लोग रात से फंसे हुए हैं, 3 बजे के आए हुए हैं। और यहाँ बुरे तरीके से ठंडी भी हो रही है, यहाँ मौसम टेम्परेचर भी कम, टेम्परेचर कम है यहाँ पे और ठंड भी हो रही है। और फिर यहाँ पर पैसे भी कम हो गए, हमारा रात का रिजर्वेशन है, रात का, और जिसकी वजह से हम यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टनल ही बंद है। और ये बोल रहे हैं कि 1 या 2 दिन लगेगा, पता नहीं कब ये खुले। हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी ये कार्य करवाया जाए जिससे ये टनल खुल जाए और घर पे हम जल्दी घर पहुँचे। मेरे अलावा कई सारे पर्यटक यहाँ पर देख रहे होंगे कि सब लोग यहाँ पर परेशान हैं, सब लोग रात से रुके हुए हैं और हम लोग बड़ा परेशान हैं। घर वगैरह भी नहीं चल रहा है। यहाँ नेट से हूँ, जम्मू और पंजाब के बीच में मेरा डेस्टिनेशन है, मैं यहाँ आया था घूमने के लिए, आया था अपनी फैमिली को लेके। बहुत ही बढ़िया यहाँ का नज़ारा है। हम 1 जनवरी को आए थे यहाँ पे और कुदरत का यो नज़ारा, यो करिश्मा, हम इसको देख के ही अनुभव कर सकते हैं। दिस इज़ अ मेडो, दिस इज़ अ स्विट्ज़रलैंड। लोग कहते हैं फिल्मों में या अपने बातों से, मुँह से कहते हैं स्विट्ज़रलैंड, मैं बोलता हूँ ये धरती का कहीं स्वर्ग है, ये कश्मीर है। दिस इज़ हाई एटीट्यूड, यहाँ पे बर्फ़ का नज़ारा दिखने से आप देख सकते हैं, उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको अपने मुंह से नहीं बयान कर सकता। मेरी सब लोगों से गुजारिश है, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से, कि यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में आएँ, हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा दें, यहाँ पे बढ़ाएँ और अपनी अपनी जो चीज़ें आपने अपने मन में या अपने दिल में संजो रखी हैं उसको आके फील करें। डल लेक है यहाँ पे, गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर दृश्य हैं जो हमने मूवीज़ में देखे थे, मैंने तो रियलिटी में देख चुका हूँ इनको। दिस इज़ ए गॉड गिफ्ट, ये मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने कश्मीर इस धरती पे कदम रखा है। हालांकि यहाँ पे 2 दिन से लैंडस्लाइड के कारण रोड बंद हो चुका है स्नोफॉल से, पर खुल जाएगा अभी उन्होंने कहा है कि 2-4 घंटे में रोड क्लियर हो जाएगा। और दिस इज़ ए बेस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स में मैं कोई कह सकता हूँ ये कोई चीज़ है तो हमारी जन्नत जम्मू एंड कश्मीर। जय हिंद, जय भारत।